वेलकम, आई एम तैमूर फ्रॉम टेक स्टेप। अडोब प्रीमियर की इस सीरीज़ के अंदर आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होने जा रहा है, हम इसमें देखेंगे कि अगर हम किसी भी वीडियो को एडिट करने लगते हैं और उसका जो ऑडियो है और बैकग्राउंड में आपको अगर नॉइसेस वगैरह आ रही हैं या काफ़ी शोर आ रहा है, अगर आप ऐसे पॉइंट पर बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि बैकग्राउंड में ट्रैफिक की आवाज़ है या फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ हो सकती है, तो उस आवाज़ को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम उसे कम कैसे कर सकते हैं, तो आज का ट्यूटोरियल इसी पर होने जा रहा है। बहुत ही आसान और कुछ ईजी स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप जो है अपने वॉइस को बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिवनेस के साथ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपका क्रिस्पी ऑडियो बन जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने अपनी ऑडियो की जो आपने अपनी सीक्वेंस वगैरह क्रिएट कर लेनी, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा ओपन कर लेंगे और आपने अपने ऑडियो को उसके अंदर ले आना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑडियो पड़ा हुआ, ठीक है, आपने अपनी ऑडियो फाइल को उसके अंदर ले आना है। ऑडियो फाइल के अंदर लाने के बाद आपका क्या काम होगा कि आपने उसे कर लेना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है ऊपर। आप देखें जो आपके पास जो सारे टैब्स हैं, आपको सारे बटन शो हो रहे हैं जिसमें लर्निंग है, असेंबली, एडिटिंग है, ऑडियो, कलर इफेक्ट, सारा कुछ है। तो आपने ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियो के रिलेटेड एडिटिंग होगी वो सारी ऑडियो टैब के अंदर ही होती है। तो जैसे ही आप ऑडियो टैब के अंदर आएंगे तो आपने घबराना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, ऑडियो टैब में आने के बाद आपने राइट साइड पे आपने देखना है, तो आपके पास कुछ मजीद टैब्स आपको मिल रहे होंगे जिसमें डायलॉग, म्यूजिक, SFX और एम्बियंस है। सो आपने क्या करना है कि आपने डायलॉग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डायलॉग वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लाउडनेस है, रिपेयर है, क्लेरिटी, वो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अभी हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस को ख़त्म करना है या उसको एडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिपेयर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑडियो को बेसिकली रिपेयर ही करना है। रिपेयरिंग के साथ जो है ना, हम उसकी जो है बैकग्राउंड में जो शोर है, जो आवाज़ें हैं, उसको कम करके अपना जो मेन ऑडियो है और जो हमारी उसको हम जो है ना वो हाईलाइट करेंगे। सो इधर आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है रिड्यूस नॉइस का। तो ये वाला आपका वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप जो अपने ऑडियो की नॉइस को, बैकग्राउंड नॉइस को ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चेक मार्क लगाता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है 5 की वैल्यू ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये इफेक्ट जो है मेरे ऑडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। आप अपने ऑडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि अगर आपको आप उसे सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, वरना आप इस वैल्यू को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये आप अपने ऑडियो के हिसाब से इस चीज़ को टेस्ट करेंगे कि जिधर आपका ये वैल्यू आपको बेस्ट मिल रही होगी आप वहीं पर उसे फाइनल कर लेंगे। अगर आप 5 पर वैल्यू होने के बावजूद भी आपकी ऑडियो में नॉइस आ रहा हो तो आपने इसे क्लिक करके 6 कर लेना है या 7 कर लेना है, जैसे भी, अगर आप कम करने से आपकी ठीक होती है, ज़्यादा करने से ठीक होती है, तो ये आप अपनी सहूलत को देखते हुए इसको चेंज कर लेंगे। जब आपके काम हो जाए तो आप इसको एक दफ़ा प्ले करके भी चेक कर सकते हैं, तो आपको क्लियरली सारा कुछ समझ आ जाएगा। मैं वापस अपने एडिटिंग टैब में आ जाता हूँ, क्योंकि हमने जितनी भी एडिटिंग करनी होती है वो अपने एडिटिंग टैब में रहते हुए ही करनी होती है। सो होपफुली कि आपको ये वाला ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप्स के अंदर आपको ये बता दिया गया है कि आप कैसे अपने ऑडियो को उसका जो बैकग्राउंड है रिमूव कर सकते हैं, उसकी नॉइसेस वगैरह को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।